हेलो दोस्तों का फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानप्रिय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन आप लोगों की 10th है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खासी जॉब एक निकल के आ गई है, जिसमें से आप लोगों को लगभग लगभग 16-17 हज़ार यानी कि 15 हज़ार से ही मान लीजिए 15 हज़ार से 60 हज़ार तक की सैलरी आप लोगों को मिल जाएगी। सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे, मैं पूरा एक एक स्टेप में आप लोगों को बताऊंगा क्या सैलरी रेंज है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है, कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई करना है, ये सब सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अब चलते हैं इसका नोटिस पे। नोटिस पे देखेंगे किस तरह से इसको अप्लाई करना है, सारे डिटेल में किस तरह से इसको दिया गया है। ये इसका नोटिस है जो निकल के आई है। हेडिंग पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ असम, असम के तरफ से निकल के आई है। सिल्चर एड्रेस दिया गया है, डेट वगैरह दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। नीचे यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है किस पोस्ट के लिए है ये, ADDL पटवारी। कितने वैकेंसी हैं, 42 वैकेंसी टोटल दिए गए हैं। टोटल 42 वैकेंसी में से जनरल के लिए देखिए दिया गया है 22, ओबीसी वाले सब के लिए दिया गया है 11, एसटी वाले के लिए दिया गया है 4, एसटी एच ई अलग है, एच अलग है उसके लिए 2 दिया गया है, एससी के लिए 3, टोटल हो जाता है 42 वैकेंसी निकल के आ गई है। अब ये 42 वैकेंसी के लिए देखिए 14,000 से लेकर 60,500 प्लस ग्रेड पे 6,200 सैलरी, तो आप जान सकते हैं ग्रेड पे 6,200 का कितना सैलरी मिल जाता है या रेंज यहाँ पे दिया गया है। देखिए बहुत ही अच्छी खासी दी गई है और 10th पास वाले के लिए बहुत ही अच्छी खासी सैलरी के साथ जॉब निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज दिया गया है, रिजर्वेशन 30% महिला ओमेन के लिए भी रखा गया है, तो लेडीज वाले तो बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि इसका रिजर्वेशन दिया गया है 30% का और लड़कियां कम अगर अप्लाई करती है तो बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है जॉब पाने के लिए। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नीचे हम लोग को क्या मिल जाता है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन देखिए दिया गया है SSLC, साथ साथ लेकिन ये HLC के साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, अदर क्वालिफिकेशन में दिया गया है 6 मंथ का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ट्रेनिंग होना चाहिए ये कहाँ से हो रहाना चाहिए, फ्रॉम दी असम सर्वे स्टेटमेंट ट्रेनिंग सेंटर इन गुवाहाटी का दिया गया है, RCCC ट्रेनिंग रहना चाहिए। उसके बाद एज की बात करते हैं तो 1/1/2020 के आधार से अगर कैलकुलेट करें तो 18 से 38 के बीच में एज हो जानी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अप्लीकेशन दिया गया है 23/3/2020 शाम का 5 बजे तक, ये लास्ट डेट हो जाता है, इससे पहले ही अप्लाई हो जाना चाहिए यानी कि अप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए जो ऑफलाइन दिया गया है। उसके बाद एनी पोस्टल डिले, यहाँ पे पोस्टल बता रहा है तो ये ऑफलाइन ही रहेगा। आगे हम लोग और डिटेल देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है देखिए जो रिटर्न टेस्ट वगैरह होगा, कॉल्ड रिटर्न टेस्ट, वो 25/3/2020 को दिया गया है 11 बजे। एड्रेस दिया गया है सिलचर का, तो ये रहेगा उसका एड्रेस जहाँ पे इसका एग्जाम वगैरह होगा। अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, जो यहाँ पे दिया गया है उसका एड्रेस इस एड्रेस पे भेज देना होगा। ये आप लोगों का डिपॉजिट सबमिट एप्लीकेशन जो भी है सब कुछ अटैच करने के बाद उस एड्रेस पे भेज देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 रुपये का स्टाम्प वगैरह किस तरह से साटना है, क्या करना है, वो सब का रूल रेगुलेशन दे दिया गया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह भी मेंशन किया गया है, इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यही शॉर्ट में दे दिया गया है एक नोटिस, जिसके बारे में लगभग लगभग इम्पोर्टेंट हम लोग देख लीजिए, इसको अप्लाई जरूर करें दोस्तों। 10th में क्वालिफिकेशन मांगी गई है और सैलरी वगैरह तो देख ही सकते हैं कितनी अच्छी खासी दी गई है, लेकिन साथ ही साथ ये जो अदर स्टेट के हैं वो सब के लिए अगर यहाँ पे रूल रेगुलेशन जो दिया गया है उसके आधार से होना चाहिए तब इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई तो कर सकते हैं बट रिजेक्ट हो जाएगा। हम लोग इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे जॉब लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।